बहुत सारे लोगों को ऑन पैसिव में आकर के बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है। और बहुत सारे हमारे प्राउड फाउंडर्स, प्राउड ब्रांड एम्बेसडर ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। और यकीन मानना, एक बात मैं बहुत 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 कड़वी कहने वाला हूं, चाहे भले ही आपको बुरी लगे, जो इस समय प्राउड फाउंडर तो हैं, ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन पर तो हैं, लेकिन अगर उनको कोई आनंद नहीं आ रहा है, कोई उनको मजा नहीं आ रहा है ऑन पैसिव में आने के बाद, तो आप समझ जाइए कि आप लंबे समय तक जो है इसमें ज्यादा लंबा टिक नहीं पाएंगे। आप ज्यादा लंबे समय के लिए जो है आप फेमस नहीं हो पाएंगे। आप बहुत कुछ है जो लाइफ टाइम के लिए आप यहां पे जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो आपके माइंड में है, वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस ऑन पैसिव को दिल से बनाया गया है, दिल से। तो आपसे भी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है इसमें दिल से आप आ जाओ, दिल से काम करो इसमें। मेंटली आप इसमें आओ, फिजिकली नहीं, मेंटली आप ऑन पैसिव के अंदर रहो। आपके माइंड में बातें घूमती रहनी चाहिए ऑन पैसिव के रिगार्डिंग, आपके माइंड में बहुत बड़े बड़े ख्याल आते रहने चाहिए ऑन पैसिव के आने के बाद लाइफस्टाइल कैसी होने वाली है। ऑन पैसिव के रिगार्डिंग आपकी जो विजुलाइजेशन है वो आपकी होती रहनी चाहिए। अगर ऐसी हो रही है, आपकी विजुलाइजेशन 24 आवर हो रही है और आप अंदर से कुछ सोच रहे हैं और सोच करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक रियल फाउंडर हैं। अगर आप ऑन पैसिव में आकर के आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं ना, तो आप एक रियल फाउंडर नहीं है। फाउंडर तो हैं, ब्रांड एम्बेसडर तो हैं, लेकिन एक रियल नहीं है। तो यहां पे मेरे कहने का मकसद क्या है, मेरे कहने का मकसद यह है कि जिस तरीके से अभी हमें बहुत सारे सरप्राइज मिले हैं, तो चौथा सरप्राइज भी हमें बहुत ही जल्दी मिलेगा। सरप्राइज एसर सरप्राइज देने में सबसे आगे रहते हैं। एसर बहुत सारी चीजों को हमारे साथ मीटिंग में डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं होती हैं, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं। और यही एक मैनेजमेंट की, एक कंपनी की, एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। बहुत सारी चीजें जो कि ओपन नहीं की जाती हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिकली जल्दी से जल्दी नहीं बताई जाती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बताने से ज्यादा जरूरी होता है कि करके दिखाना। तो यहां पे हमारे बहुत सारे काम बताए नहीं गए। आप बताए, आपको बताए, नहीं बताए गए, लेकिन हाँ, जब उनको करने का वक्त आ गया तब उनको बताया गया। हो सकता है कि एक हफ्ते पहले बताया गया हो सकता है कि 10 दिन पहले बताया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, बुर्ज खलीफा पे जो हमारा एडवर्टाइजमेंट चला, क्या पहले से किसी को पता था? नहीं। सरप्राइज नंबर 1, बुर्ज खलीफा के ऊपर जो भी इतनी बड़ी मार्केटिंग हुई उसको देख करके लोग हैरत अंगेज हैं आज। बुर्ज खलीफा के ऊपर जो भी मार्केटिंग की जाती है, जो भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, वो अपने आप में एक यूनिक होता है। और बुर्ज खलीफा पे जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो उनका परमिशन वगैरह लेना पड़ता है, या जहां से भी टेलीकास्ट किया जाता है, वो भी उल्टे सीधे एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते हैं। वो भी सोच समझ के लेते हैं कि मुझे इसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि गलत काम के लिए बुर्ज खलीफा कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। गलत काम के लिए कभी भी वो किसी को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो एक दुबई है और दुबई की जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो पहला हमारा जो मार्केटिंग हुआ था आज, उस मार्केटिंग को देख करके बहुत सारे लोग हैरत अंगेज हैं, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हैं कि ये क्या चीज है ऑन पैसिव। समझ में आ गया होगा आपके, बुर्ज खलीफा के ऊपर। और उससे भी बड़ा हमारा एक उसी पीरियड में एक और सरप्राइज हमें वहां पे मिला था बुर्ज खलीफा पे ही, कि हमारे दो दो ऑफिस वहां पे हैं। समझ में आ गया ना, ये सरप्राइज ही है। जब मीटिंग में बताया गया कि हमारे दो ऑफिस बन चुके हैं, अब मैं बताता हूं आपको दूसरा सरप्राइज उन्होंने कब दिया हमारे, किसने? एस सर ने दूसरा सरप्राइज हमें दिया जब धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रही थी, फाउंडरशिप क्लोज हो गई थी, पेंडिंग फाउंडरशिप क्लोज हो गई थी। उसके बाद जो 20 नवंबर को हमारा फीफा वर्ल्ड कप होना था, तो उसमें जो मार्केटिंग हुई थी, सबसे बड़ी मार्केटिंग किसमें? फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप था, इस दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप माना जाता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो वहां पे जो मार्केटिंग हुई वो अपने आप में एक अमेजिंग मार्केटिंग थी। तो ये दूसरा सरप्राइज हमें एस सर ने दिया था। क्या हमें पता था नवंबर से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले? हमें पता था कि ये भी एस सर के माइंड में चल रहा है? नहीं पता था, लेकिन उनके माइंड में चल रहा था, उनके माइंड में चल रहा था। और जब वो समय आया
तो उन्होंने पूरा डिक्लेयर कर दिया, एक वीडियो बना करके सभी लोगों के लिए कहां पे दिखा दिया, वेबिनार के अंदर। और जैसे ही वेबिनार के अंदर दिखाया, सभी को बहुत बहुत ज्यादा मजा भी आया। तो ये दूसरा सरप्राइज था हमारा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो उन्होंने एक तीसरा भी धमाका किया। वो तीसरा धमाका बहुत इससे भी बड़ा था, वो था हमारा ऑन पैसिव स्टेशन। सोचो, ऑन पैसिव स्टेशन मार्केटिंग मशीन है ये। ऑन पैसिव स्टेशन बहुत अपने आप में एक बड़ी चीज है। ये सब किस लिए हो रहा है? एस मुफारेसर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मान के चलिए कि एक वर्ज खलीफा के ऊपर अगर मान के चलो कि एक 30 सेकंड का भी अगर एड दिखाना हो, है ना, तो कितना पैसा लगता है? मिलियंस में पैसा लग जाता है वहां पे। आप गूगल पर सर्च करके देख लेना कि वर्ज खलीफा पे एड करने का 30-50 सेकंड्स का कितना खर्च आता है, आपको पता चल जाएगा। तो इतना जो खर्च हो रहा है, हमारे एस मुफारेसर इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं किसके लिए? हम सब लोगों को सरप्राइज देने के लिए, हम सब लोगों की लाइफ बदलने के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर जिंदगी के लिए, यानी कि आने वाला जो इंटरनेट है उसकी दुनिया बदलने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए, पॉल्यूशन खत्म करने के लिए, ये सब इसलिए हो रहा है। और इस पे आपको थोड़ा सा गर्व तो महसूस होना ही चाहिए। तीसरा जो बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे जो सरप्राइज हम सब लोगों को मिला था, वो स्टेशन के रूप में मिला था, मेट्रो स्टेशन के रूप में। और 10 साल के लिए जो आपको पता है कि इसका एग्रीमेंट हो चुका है, और आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा वो 10 साल के बाद देखा जाएगा। लेकिन अब ये जो 10 साल का जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आप एक रियल कंपनी के अंदर हैं, एक रियल फाउंडर, एक रियल ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक रियल प्रोडक्ट आने वाला है, एक नहीं बल्कि और भी पाइपलाइन में है, वो भी आने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब यह है कि बस आने ही कुछ ही महीनों में यहां पे बहुत कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। यानी कि हो सकता है कि इस 2023 के अंदर अंदर हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी यहां से सुधरने शुरू हो जाए। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब वही है हमारे जो माइंड में घूमते रहते हैं रेड कलर के एप्पल्स, तो ये भी आने शुरू हो जाए। तो फाइनेंशियल ईयर ये आपका हो सकता है। और ऊपर वाले ने चाहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं सभी फाउंडर्स मिलकर के कि जल्दी से जल्दी इस ओ कनेक्ट की जितनी भी टेस्टिंग है वो पूरी हो जाए और मार्केट में फटाफट से आ जाइए, फिर हम सब लोग अपना काम शुरू करते हैं, फिर एक एक करके सभी की लाइफ यहां से बदलनी शुरू हो जाएगी। बदलेगी नहीं, बदलनी शुरू हो जाएगी। और आने वाले कुछ ही सालों बाद बहुत कुछ होगा यहां पे। आप फेमस भी होंगे, आपके पास दौलत शौहरत नाम मान सम्मान सब कुछ होगा। तो ये तीसरा जो सरप्राइज दिया है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। कस्टमर लाने के लिए ये सारे बड़े बड़े काम किए गए हैं। एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी हमें पता है कि कितना ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यहाँ तो बुर्ज खलीफा की बात हो रही है, यहाँ तो ऑन पैसिव का स्टेशन ही चेंज हो गया, आई मीन जो मेट्रो स्टेशन का नाम ही चेंज हो गया, इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप में सब कुछ हो गया। तो यहां से कनेक्शन बिठाने के लिए भी तो आपको कुछ चाहिए होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक नौकरी लग रही हो, बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग रही हो और आपको किसी का सिफारिश की जरूरत हो, तो तब भी तो आप सोर्स देखते हो कौन इसका अच्छा दमदार व्यक्ति है, कौन प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके पास मैं जाऊं कि वो थोड़ी सी सिफारिश कर दे तो मेरा काम बन जाए। आप सोचिए कि यहां पे इतने बड़े काम हुए हैं तो यहां पे ये कितने कितने लोगों के पास गए होंगे एस मुफारेसर, बहुत सारे लोगों के पास। अब बात आती है चौथे सरप्राइज की। चौथा सरप्राइज कौन सा होगा? अंदाजा लगाइए कि चौथा सरप्राइज कौन सा होने वाला है। चौथा सरप्राइज बताऊं आपको कौन सा होने वाला है? नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद कमेंट करके बताना होगा कि चौथा सरप्राइज कौन सा होगा। अब जो चौथा सरप्राइज होगा मैं आपको इतना बता देता हूं कि वो सब हम सब लोग जितने भी प्राउड फाउंडर्स हैं, जितने भी हम अपने ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम सब लोगों के हित में होगा। आपको चौथा सरप्राइज जो भी होगा वो अब हम सब लोगों के हित में होने वाला है, हम सब लोगों के फेवर में होने वाला है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए। आप समझ जाओ कि अब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से यहां पे चेंज होने वाला है। चौथा सरप्राइज इन तीनों सरप्राइज से सबसे बड़ा होने वाला है, और सबसे बड़ा होने का मतलब यही है कि हम सब लोगों के फेवर में, हम सब लोगों के लिए होने वाला है। वो बहुत बहुत जल्दी आप सब लोगों को पता चलेगा कि चौथा सरप्राइज कौन सा है। कौन सा चौथा सरप्राइज कौन सा है? अगर आपको समझ में आ रहा है कि चौथा सरप्राइज कौन सा है तो मुझे आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। भाई कमेंट करिए,
कमेंट करके बताइए कि वो चौथा सरप्राइज आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग सरप्राइज होगा, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी भी चीज को पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते हैं। जी हाँ, पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते हैं, वो बस समय आने पर छक्का मारते हैं डायरेक्टली, और वो सही समय का इंतजार भी करते हैं, और इस समय बिल्कुल सही समय है अपने ऑन पैसिव को इस दुनिया के सामने रखने का। अगर आपकी समझ में आ रहा है कि वो चौथा सरप्राइज कौन सा है तो मुझे एक बार आप कमेंट करिए, बताइए आपके व्यू, आपके माइंड के जो व्यू है वो भी मुझे जानने का पूरा हक है, मैं भी तो देखूं कि आप क्या क्या सोचते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरप्राइज 2023 के अंदर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, और एक सरप्राइज हम सब लोगों के हित में होने वाला है। तीन सरप्राइज के बारे में मैंने आपको बता दिया, और चौथा सरप्राइज भी बहुत जल्दी हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, तब तक ऐसे एंजॉय करते रहिए और ऑन पैसिव को सीखते रहिए। अगर आपको कोई वेबिनार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं से आप अपने आप को कनेक्टिंग करिए, और किसी ना किसी वेबिनार में जाकर के अपने आप को एंगेज करना शुरू कर दीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, विश यू वेल्थ, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट।